The Agartala Akura rail service will be started immediately as per the decision between the two countries. Work is going on fast. Anil Kumar Khandelwal, member in charge of infrastructure of the Indian Railway Board, said this after inspecting the work of the Indian part of the Agartala Akura International Rail Project on the ground on Wednesday. The Agartala Akura International Rail Project has been going on for a long time. As work is going on in the Indian part, work is also going on in the Bangladesh part. Work on both the India and Bangladesh side is nearing completion. Currently, the work is going on at a fast pace. Meanwhile, Anil Kumar Khandelwal, member in charge of infrastructure of the Indian Railway Board, inspected the Indian part of the Agartala Akura International Rail Project on Wednesday. He was accompanied by GM Chetan Kumar Srivastav of Northeast Simanta Railway and other railway officials. After visiting the railways, Anil Kumar Khandelwal, the member responsible for the infrastructure of the Indian Railway Board, told reporters that the Agartala Akura rail service will be launched soon. काम बहुत तेजी से चल रहा है. अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत से ट्रेन बांग्लादेश में जाएंगी और बांग्लादेश से ट्रेन भारत में आएंगी. आदमी लोग और सामान दोनों इधर उधर आएगा जाएगा, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, दोनों एरियाओं का, क्षेत्रों का विकास होगा. कितना टाइम लग सकता है सर? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप देख रहे हैं एकदम रेडी है. जो वो होता है अपना पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है, जो नॉट पॉलिटिकल, जो कंट्री टू कंट्री अरेंजमेंट होगा, उसके बातचीत के बाद शुरू हो जाएगा. वैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पे एज ए होल आपका क्या बोलना है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का. कुछ विकास हो रहा है तेज़ी से. बहुत लाइनें खुल रही हैं हर साल. 300-400 किलोमीटर ट्रैक ऐड होता जा रहा है. सारी स्टेट कैपिटल, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स को कनेक्ट कर दिया है. एक बचा है, वो भी हो जाएगा. सर कुछ दिनों पहले कुछ रिस्टोरेशन वर्क का कुछ प्रॉब्लम आया था? कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो जब बारिश होती है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है ना. जब बारिश होती है क्या होता है, घरों से छत उड़ जाती है. उड़ती है कि नहीं? कहीं घरों में रोड टूट जाता है. ऐसी जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो छोटा मोटा कुछ काम, ट्रैक कहीं सेटल हो गया या बैलास्ट चला गया, वो रेस्टोर हो गया. अब तेज़ी से काम चल रहा है. सारी ट्रेन चल रही हैं. सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे चल रही हैं. छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना, उसके वजह से बारिश आई, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, रेक्टिफाई हो गया, अब फिर ट्रेन चलने लगी. सर इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना? बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन. इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा. बहुत तेज़ी से काम चल रहा है. भारत में 96% एरिया इलेक्ट्रिफाइड हो गया. जो बचा है साउथ वेस्टर्न रेलवे, जो बेंगलोर वाला रेलवे है, जयपुर और यहाँ पर, वो भी पूरा हो जाएगा इस साल में. He also said that a lot of work is going on to improve rail services within the Northeast frontier. New railway lines are being extended. He also said that the work of electrification of railways is going on at a fast pace. Reported by Pranam from Agartala, Chini Khorang.